हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रुचिका चुग और आज मैं ट्रिग्नोमेट्री के अगले क्वेश्चन के साथ आपके सामने आई हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर क्वेश्चन। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन है शो दैट टेंजेंट 48 डिग्री, टेंजेंट 23 डिग्री, टेंजेंट 42 डिग्री, टेंजेंट 67 डिग्री ऑल इन मल्टीप्लीकेशन शुड बी इक्वल टू 1। हमेशा ध्यान रखना, जब भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे लिखा हो शो दैट, वेरीफाई, प्रूव दैट, तो उसे हमेशा हम स्टार्ट करते हैं LHS और RHS को सेपरेट सॉल्व करके। हम LHS भी ले सकते हैं, RHS भी ले सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि LHS को सॉल्व करना है और जो RHS के इक्वल प्रूव करना है, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? पहले हम लेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड। LHS है क्या यहाँ पर? टेंजेंट 48 डिग्री, टेंजेंट 23 डिग्री, टेंजेंट 42 डिग्री, टेंजेंट 67 डिग्री। अब इन सब की वैल्यूज़ अगर आप देख सकते हैं, ये वो एंगल्स हैं जो हमारे टेबल में नहीं थे, तो अब इन्हें कैसे सॉल्व करें, इनके वैल्यूज़ कैसे निकालें? जब ऐसा केस आपके सामने आएगा तब हम क्या करेंगे, वो टेबल वाली वैल्यूज़ नहीं, यहाँ पर हम कंसेप्ट लगाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो आपको पता ही होंगे, वो एंगल जिनका सम होता है 90 डिग्री। तो अगर मैंने टेंजेंट 48 डिग्री यहाँ पे पहले पिक किया, तो अब आप 40 डिग्री का पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं रफ में कैलकुलेट करती हूँ तो 90 माइनस 48 हाउ मच, 10 माइनस 8 2 एंड देन 8 माइनस 4 4। इसका क्या मतलब हुआ कि 48 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 42 और वो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलेगा और आप देख सकते हैं वो यहाँ पर मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट 48 को एज इट इज़ लिखेंगे। टेंजेंट 42 का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए तो हम फंक्शन भी कॉम्प्लीमेंट्री में लेकर आएंगे और हमें मालूम है कि टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, वो होता है कॉट। तो मैं यहाँ पर रिप्लेस करूँगी इक्वल टू के साइन के साथ, टेंजेंट 48 डिग्री, इसको मैं एज इट इज़ लेती हूँ टेंजेंट 23 डिग्री। इस टेंजेंट 42 को मुझे यहाँ पे लेना है, 42 की जगह मुझे यहाँ पे लेना है 48, क्योंकि 42 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 48। अगर आपने इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखा तो टेंजेंट का भी कॉम्प्लीमेंट्री लिखना होगा और वो हो जाता है, आपको मालूम है, कॉट 48 डिग्री। अब यहाँ पे टेंजेंट 23 मैंने एज इट इज़ लिया, तो अब 23 का कॉम्प्लीमेंट्री ढूँढो। फिर से रफ में मैं जाती हूँ, 90 माइनस 23 माइनस करेंगे, 10 माइनस 3 7, 8 माइनस 2 6। तो 23 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ, 67, और वो हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 67 की जगह लिखती हूँ 23, मतलब मैंने इसका लिखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो टेंजेंट की जगह क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कि कॉट 23 डिग्री। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट लगा दिया है। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, टेंजेंट 48 डिग्री मैंने ऐसे ही लिखा, टेंजेंट 23 डिग्री भी मैं ऐसे ही लिखूंगी, लेकिन कॉट 40 डिग्री को टेंजेंट के फॉर्म में लेकर आऊंगी। वो क्या होगा, 1 बाय टेंजेंट 48 डिग्री। ध्यान रहे, कोई भी फंक्शन एंगल के साथ लिखा जाता है, ऐसा नहीं होगा कि कॉट को किया 48 वहीं रह गया। कोई भी फंक्शन होगा वो अपने एंगल के साथ जाएगा और कॉट 23 का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 1 बाय टेंजेंट 23 डिग्री। अब यहाँ पर देखा जाए, सब कुछ है मल्टीप्लिकेशन में, इसका मतलब हम ये टेंजेंट 48 डिग्री को इस टेंजेंट 48 डिग्री से यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं और ये टेंजेंट 23 को इस टेंजेंट 23 से कैंसिल कर देते हैं। सारी कैंसिलेशन होने के बाद ध्यान रहे, यहाँ ज़ीरो नहीं है, यहाँ 1 है। ज़ीरो तब आता है जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जब हम कैंसिल करते हैं तो सब कुछ कैंसिल होने के बाद हमें यहाँ पे मिलता है 1। और ये 1 क्या है, वो है हमारा RHS। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू RHS, हमारा ये प्रूव हो गया। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह सकते हैं हेंस शोन। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और कंसेप्ट हमारा वही लगेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ टेंजेंट 2A, यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है वो है 2A इज इक्वल टू कॉट A माइनस 18 डिग्री, ये भी अनदर थीटा है, मतलब जो भी फंक्शन के साथ लिखा जाएगा वो एंगल कंसिडर होगा। तो हमें ये गिवन है टेंजेंट 2A इज इक्वल टू कॉट A माइनस 18 डिग्री, जहाँ पर 2A
is an acute angle, then find the value of A. हमें यहाँ पे A की वैल्यू निकालनी है. तो जब भी कोई क्वेश्चन हमारे पास आता है, सबसे पहले हम उसका गिवन लिखेंगे. गिवन क्या है? टेंजेंट टू A इज इक्वल टू cot A माइनस 18 डिग्री. अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि इस साइड इक्वल के इस साइड LHS में टेंजेंट दिया है, RHS में cot दिया है. क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? पहले ध्यान दो, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस हैं. दो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस तब इक्वल होते हैं जब उनके एंगल्स भी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. तो इस लाइन से हमें ये पता लगता है, दिस इम्प्लाइज दैट कि इसका जो एंगल है मतलब 2A और इसका जो एंगल है मतलब A माइनस 18 डिग्री, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं कॉम्प्लीमेंट्री. मतलब दोनों का सम किसके इक्वल है? 90 डिग्री. और इसको अब फर्दर हमें सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व करेंगे? 2A प्लस A माइनस 18 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री. ध्यान रहे, जब हमारे किसी भी स्टेप में अगर ऑलरेडी इक्वल हो तो उसको इक्वेशन बोलते हैं, और इक्वेशन की स्टार्टिंग इम्प्लाइज साइन से होती है. तो हर बार हमें यहाँ पे इम्प्लाइज साइन देना होगा. 2A प्लस A कितना होगा? वो होगा 3A माइनस 18 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो यहाँ पे 3A की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं 18 को उधर लेकर जाती हूँ तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री. कितना हुआ? 3A इज इक्वल टू 90 प्लस 18, 8, 9 एंड 1, 10, 108 डिग्री. तो A की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? 108 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, मतलब कि कितना हुआ? 3 3s are 9 एंड 3 6s are 18. तो यहाँ पे हमें A की वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज़ 36 डिग्री. इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं. देखते हैं अब क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारी एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हमें फिर से लिखना है. और ज़रूरी नहीं कि हमारे ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हो, कुछ और भी हो सकते हैं, कुछ और रेशियोज़ भी हो सकते हैं, लेकिन जो एंगल रहेगा वो ये एंगल्स नहीं रहेंगे, वो एंगल्स रहेंगे 0 डिग्री एंड 45 डिग्री के बीच में. बिटवीन लिखा है मतलब बीच में. तो इनके बीच में हम एंगल कैसे लेकर आ सकते हैं? मतलब 67 डिग्री को नीचे कैसे लेकर आ सकते हैं, 75 डिग्री को नीचे कैसे लेकर आ सकते हैं, और वो कंसेप्ट क्या है? वो है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. मतलब हम निकालेंगे 67 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. वो कैसे निकालते हैं? आपको मालूम है 90 से हमें माइनस करना है 67, हमें मिलेगा 10 माइनस 7 3, 8 माइनस 6 2. मतलब 67 का मिल गया हमें 23, और वो 23 इन दोनों की रेंज के बीच में है. सिमिलरली 75 की अगर मैं बात करूँ तो 75 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? उसके लिए हमें फिर से 90 से उसे माइनस करना होगा. मतलब कितना हुआ? 10 माइनस 5 5, 8 माइनस 7 15. मतलब 67 23 में कन्वर्ट हो सकता है, 75 15 में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब रेंज के अंदर आ सकता है. और जब भी हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को चेंज करेंगे तो उनके फंक्शंस भी चेंज करेंगे. एज सिंपल इज दैट. तो मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे. साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री. अब हमारे पास यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप के लिए इक्वल लगाएंगे. अगर इक्वल स्टेप होता है तो नेक्स्ट स्टेप के लिए हम इम्प्लाइज का साइन लगाते हैं. तो यहाँ पे साइन 67, मुझे 67 नहीं चाहिए, तो मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिख लेती हूँ. इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? 23 डिग्री. सो इफ़ आई एम राइटिंग 23 डिग्री, अब मैं साइन तो दोबारा नहीं लिख सकती. 67 का कॉम्प्लीमेंट्री लिखा तो साइन का भी कॉम्प्लीमेंट्री लिखना होगा, वो होगा कॉस. प्लस 75 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना है? 15 डिग्री. अगर मैंने 75 का कॉम्प्लीमेंट्री लिखा 15, कॉस मैं नहीं लिख सकती, मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर? साइन. तो ये हमारा आंसर, जहाँ पे क्वेश्चन को हमने क्या किया, कन्वर्ट किया 0 टू 45 की रेंज में. और ये तभी पॉसिबल हुआ जब हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट मालूम था. तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे. इसके बाद हमारी बारी आती है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के लिए. तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा मेरे अगले वीडियो का. तब तक कीप रिवाइजिंग.